Good morning, students. Welcome to Maths class, Standard 3rd. We will go into our fourth chapter, Long and Short. Continue करेंगे. Long and Short में हमने बहुत सारी चीजें सीखी. Textbook का जितना भी था, वो मैंने explain कर दिया है. वो complete हो गया है. ये थोड़ा सा extra है, fill in the blanks है. और फिर इसी के centimeter, meter और kilometer के base पे हम subtraction और addition भी आज करेंगे. ओके तो फर्स्ट यहाँ पे है फिलिंग द ब्लैंक्स. 1 किलोमीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. पहले तो 1 किलोमीटर दैट मींस 1000 हुआ और 1 मीटर मतलब सिर्फ 1 है तो उसको 1000 प्लस 1 तो क्या आएगा 1001 मीटर. इसको आप प्लस करोगे, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ ऐसे प्लस तो 0 है तो यहाँ 1 आएगा फिर ये 0 0 एंड देन 1 तो यहाँ पे 1 किलोमीटर प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू 1001 मीटर. आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके या किसी भी तरह से पूछा जाए आपके माइंड में रहना चाहिए कि किलोमीटर मतलब क्या, 1 किलोमीटर मतलब क्या, 1 मीटर मतलब क्या, वो आपको कन्फर्म पता होगा तो आप इजीली ये फिर कर पाओगे. जैसे 1 मीटर यहाँ पे है, 1 किलोमीटर मतलब हमें पता है कि 1000 मीटर आता है और यहाँ पे 1 मीटर ही है बट यहाँ 1 मीटर ही लिखा है इसलिए और हमें ये मीटर में ही कन्वर्ट करना है. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर इस तरह से लिखा होता तो पीछे डबल जीरो लगाने पड़ते क्योंकि 100 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है तब 1 मीटर में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट है 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर. अभी ये एकदम ही सिंपल सा है, किलोमीटर किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर ही है. अगर यहाँ पे मीटर होता तो क्वेश्चन आंसर चेंज होता. यहाँ पे 2 प्लस 2 कर देना है सीधा तो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर. अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें मीटर में देना होता कि 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर ऐसा लिखा होता कि डैश मीटर तो आपको आंसर क्या देना पड़ता 2 किलोमीटर दैट मींस 2000 और 2 किलोमीटर दैट मींस 2000 तो 2000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 4000 मीटर. यहाँ पे आंसर आता 4000 मीटर. अगर ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से जो उसने सिंपल सा दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर तो 2 प्लस 2 4 किलोमीटर सीधा आंसर आएगा. पर इसी चीज को अगर आपको यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे मीटर दिया होता तो आपका आंसर चेंज हो जाता जिसमें आता 4000. 4 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो 4000 हो जाएगा. नेक्स्ट है 5 मीटर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. तो हमें पहले तो 5 मीटर दैट मींस कितने सेंटीमीटर, अब हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर दैट मींस कि 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर होगा. 500 प्लस ये 75 सेंटीमीटर है तो 75 तो उसको आप प्लस करोगे ऐसे 500 प्लस 75 यहाँ पे 5 का 5 7 का 7 एंड 5 का 5 दैट मींस यहाँ पे आंसर क्या आएगा 575 सेंटीमीटर. 575 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखा है. अगर यहाँ पे मीटर मीटर तो 5 ही है तो उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 5 मीटर दैट मींस 500. जैसे 100 तो 1 मीटर, 200 तो 2 मीटर, 300 3 मीटर होगा, 400 तो 4 मीटर, 500 है तो 5 मीटर होगा और 75 सेंटीमीटर है जो 100 कंप्लीट नहीं है. 100 कंप्लीट होता तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता बट यहाँ पे 100 कंप्लीट नहीं है इसलिए यहाँ पे 575 सेंटीमीटर आएगा. यहाँ पे अभी है 850 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर एंड डैश सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे 800 है दैट मींस 8 मीटर है
एंड सेंटीमीटर कितने बच जाते हैं 50, यहाँ पे आएगा 50। तो 850 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेम इसी तरह का है, 2 मीटर है तो 200 हुए और 50 है तो यहाँ पे 50 आएगा, 0 0 0 into 5 + 5 to 5 आएगा और 2, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हो गए 250 सेंटीमीटर, कितने हो गए 250 सेंटीमीटर। आप ऐसे सोचोगे ना, नॉर्मली आप सोचोगे ना तो मीटर और सेंटीमीटर का अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों को साथ में जोड़ देना है, देखो ये 75 आ गया, हमें 5 लिख दिया तो 575 हो गए। जैसे यहाँ पे 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है तो 250 सेंटीमीटर हो गए। सेम हियर 9 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आएगा 910 सेंटीमीटर। जैसे 9 मीटर है तो 900 हुआ प्लस क्या है 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, 0 1 9 तो हो गए 910। अभी यहाँ पे क्या है 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर दैट मीन्स कितने मीटर हो गए, तो 100 पे 1 मीटर होता है, 200 पे 2, 300 पे 3, 400 पे 4, 500 पे 5 मीटर, 600 पे 6 मीटर, 700 पे 7 मीटर, 800 पे 8, 900 पे 9, 900 के बाद क्या आ जाएगा 1000, तो 1000 हो गए, दैट मींस यहाँ पे 10 मीटर हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10 मीटर। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बहुत सारा हमने आगे भी किए थे, कन्वर्ट किए थे, कन्वर्ट इन टू सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, बट मैं इस तरह के एक्स्ट्रा भी थोड़े लिखा दिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज इसको अलग कर देना, 800 है तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 250 है तो सीधा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो सीधा 250 लिख देना है, यहाँ पे 1 किलोमीटर प्लस 1 मीटर है तो यहाँ पे 101 आएगा। आपको इसमें शायद कंफ्यूजन हो जाते क्या 1 मीटर, ऐसा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है, तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम हो जाती है कि 1000 मतलब 1 किलोमीटर मतलब आपको पता है कि 1000 है और आपको ये भी पता है कि 1 मीटर दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, बट ये क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ओके okay? और यहाँ पे मीटर लिखा है और यहाँ पे भी मेन चीज ये है यहाँ पे भी मीटर लिखा है, इसलिए वो सिर्फ 1001 आएगा, अदरवाइज ज्यादा स्टूडेंट के ये आपका आंसर बनते हैं कि 1100, बट ये मीटर है सेंटीमीटर नहीं है ओके तो 1 ही आएगा। अभी हम इसी के बेस पे बहुत सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा एड 30 मीटर एंड 75 मीटर, आपको इस तरह से लिखा होगा कि एड 30 मीटर एंड 75 मीटर, यहाँ पे एड लिखा है तो आपको सीधा इस तरह से 30 प्लस 75, वन नंबर का हुआ, 5 का 5 आएगा क्योंकि ऊपर 0 है, यहाँ पे 7 + 3 करना है, 7 को माइंड में रख लेना है, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था एडिशन में कि हमें क्या करना है, जो बिगर नंबर होता है उसे ऑलवेज माइंड में रख लेना है तो हम इजीली स्मॉल नंबर को तो फिंगर में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 7 है जिसको माइंड में रख लो, 3 को फिंगर में रख लो, 7 के बाद क्या आएगा 8 9 and 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, 10 क्या है मीटर, यहाँ पे बाद में मीटर मीटर, अभी ये 10 मीटर 105 मीटर हो गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है
ये वन नंबर हुआ, टू नंबर एड। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे हम, एड 3 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे इस तरह से आपको दिया है क्वेश्चन कि एड 3 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे तो दो ही फिगर है तो आपने सीधा, और यहाँ पे ऐड लिखा है तो आप समझ ही गए कि एडिशन करना है, तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ दो नंबर है तो आप इजीली उसको प्लस कर दोगे। बट यहाँ पे क्या है, 3 मीटर 35 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे दो कॉलम बना लेनी है, मीटर एंड देन सेंटीमीटर, ऐसे कॉलम बना लो। अभी ये जो मीटर वाले जो है उसको इस साइड लिखना है, सेंटीमीटर जो है उसको सेंटीमीटर वाले कॉलम में लिखना है। मीटर है तो 3 मीटर, यहाँ पे कितने मीटर है तो 2 मीटर, फिर 3 मीटर के साथ सेंटीमीटर कितने हैं तो 35 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो फाइव के नीचे क्या है, जीरो है, दैट मींस यहाँ पे फाइव ही रहेगा। यहाँ पे 3 प्लस 2 करना है तो 3 और 2 तो 4 एंड 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, देन 3 प्लस 2 तो सेम 5 का आंसर क्या आया हमारा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। और ये फिलिंग ऑफ लाइंस आप लिख लेना एकदम प्रॉपर तरीके से, मैं इसको रब कर रही हूँ। फिलिंग ऑफ लाइंस के देखो यहाँ पे इस तरह के सीधा दिया है, तो उसी चीज को आपको इस तरह से सम्स में भी करना होगा कि ऐड एंड ऐड इस तरह से सिर्फ मीटर लिखा है, यहाँ पे दोनों चीज लिखी है मीटर एंड सेंटीमीटर, तो उसको आप इस तरह से कॉलम बना के मीटर और सेंटीमीटर को पहले समझना है, जो मीटर लिखा है उसे मीटर की कॉलम में, सेंटीमीटर लिखा है उसे सेंटीमीटर की कॉलम में लिखोगे तभी आपका आंसर परफेक्ट आएगा। अदरवाइज आप शायद ऐसा कर दोगे कि 3 35 एंड 2 20, इस तरह से सीधा प्लस कर दोगे, आंसर आपका सही आएगा। देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे हमें मीटर और सेंटीमीटर को अलग ही रखना है। अगर इसका स्टेटमेंट लिखना है तो आपको आप क्या लिखोगे कि 555 सेंटीमीटर, ऐसा लिखोगे? नहीं, हमें क्या लिखना है, 5 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स रब कर रही हूँ। के नंबर में ही आते हैं, मीटर है 3 डिजिट हो जाते हैं, किलोमीटर 4 डिजिट हो जाते हैं।
यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर पहले किलोमीटर ही लिखना है, किलोमीटर और मीटर की कॉलम बना दो यहाँ पे भी। तो किलोमीटर कितने हैं 5 और मीटर कितने हैं तो 500। फिर यहाँ पे किलोमीटर कितने हैं तो 7 एंड 257 मीटर। तो यहाँ पे कर देंगे, ये ऊपर 0 है, नीचे 7 है, तो 7 का 7, 5 का 5, 5 प्लस 2 5 है, उसमें 2 ऐड करने हैं तो 6 एंड 7, तो यहाँ पे आएगा 7। अभी 5 प्लस 7 करना है, 7 को कहाँ रखना है, माइंड में रखो एंड 5 को फिंगर में ले लो। 7 के बाद 8, 9, 10, 11 एंड 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो ये डबल डिजिट आते हैं ना, तो भी अभी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अभी 12 को मैं 2 को यहाँ लिखूं, 1 को कैरी करूँ, या ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोगों के माइंड में आ जाते हैं। बट अभी यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, तो सीधा 12 आपको लिख देना है। फोर नंबर लिखेंगे एंड मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ आपको आगे समझ में आएगा कि मीटर और सेंटीमीटर फिर से हम कॉलम कर लेंगे। मीटर की है ये और ये सेंटीमीटर है। फर्स्ट वाला फिगर क्या है, 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला है 12 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐड कर देना है 12 प्लस 50। ओके, अभी यहाँ पे आपको 0 0 तो 0 हुआ, 5 प्लस 5 करोगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो आपको ये यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर हुए, दैट मींस वो 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 आया, तो ये यहाँ पे 100 नहीं लिख देना है, इसको क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है। ओके, 1 कैरी हो जाएगी, जैसे हम नॉर्मल एडिशन में करते हैं वैसे ही इसमें 1 ऊपर कैरी हो जाती है। तो 1 प्लस 2 तो 3 आएगा एंड 1 प्लस 1 तो 2 आएगा, तो 23 मीटर रहेगा। सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं बट वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 23 मीटर, इसका आंसर आएगा 23 मीटर। जैसे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि अभी यहाँ पे तो 0 0 आया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 50 प्लस 50 मतलब वो 100 हो जाएगा, और 100 होगा तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम ऊपर कैरी करके सीधा लिखते हैं। ओके, अभी हम थोड़े से और कोशिश कर लेते हैं। फिर अब सबट्रैक्शन भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे 5 नंबर एड 30 किलोमीटर प्लस 500 मीटर एंड 20 किलोमीटर 750 मीटर। ओके, यहाँ पे एड 30 किलोमीटर 500 मीटर एंड 20 किलोमीटर 750 मीटर। तो यहाँ पे हमें फिर से वही करना है, किलोमीटर और मीटर की कॉलम कर लेनी है। यहाँ पे क्या है, 30 किलोमीटर और 500 मीटर, फिर प्लस करो सेकेंड वाला नंबर 200 किलोमीटर एंड 750 मीटर, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 0 का 0 रहेगा, ऊपर 0 है, नीचे 5 है, तो 5 ही रहेगा। 5 प्लस 7 करना है, 7 को माइंड में रख लो, 7 को माइंड में रख लो जो बिगर नंबर है उसे, और 5 को फिंगर में ले लो। 7 के बाद
8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे 12 आया, तो आपको इस तरह से 12 नहीं लिख देना है। क्या करना है, सिर्फ 2 लिखना है और 1 यहाँ पे होगा कैरी, क्योंकि यहाँ पे भी 1260 मीटर हो गए, तो 1000 आएंगे, तो दैट मीन्स वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे आप ऐसा सोचोगे ये पार्ट कर दिया तो इसका अलग ही है, इसका अलग ही है, ऐसा नहीं है। ऐड करना है और कैरी आती है तो कैरी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देनी है। तो यहाँ पे 1 का 1, 3 + 2 तो आएगा 5, तो 51 किलोमीटर एंड 250 मीटर। जैसे हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में भी सेम हुआ था, 100 आया तो हमने उसे यहाँ पे कैरी कर दिया, सेम वहाँ पे भी 1000 जब वो हो जाएंगे तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी यही चीज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 सम हमने एडिशन वाले कर लिए, 20 meter from 35 meter। यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। यहाँ पे दिया है subtract 20 meter from 35 meter, तो यहाँ पे आपको इस तरह से नहीं लिखना है 20 - 35। ये करोगे तो कर पाओगे आप subtraction? No, ये wrong होगा आपका। But कैसे कहना है, from के बाद वाला, from मतलब इसमें से इसको subtract करो, 35 में से 20 को subtract करो, subtract 20 meter from 35, तो 35 में से जो from के बाद वाला figure है वो ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा। तो यहाँ पे 35 meter - 20 meter। देखो यहाँ पे मैंने साइड में मीटर क्यों लिखा, क्योंकि वो सिर्फ मीटर का ही हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अगर दो चीज का इस तरह से होता तो हमें कॉलम बनानी पड़ती, बट यहाँ पे एक ही मीटर ही है इसलिए हम इस तरह से बाजू में हमें लिख लेना है। ओके, यहाँ पे 5 का 5 रहेगा, नीचे 0 है इसलिए। अब ये सब्ट्रैक्शन है, ओके, वो वाले हमने एडिशन किए, ये है सब्ट्रैक्शन। 3 - 2 करेंगे, 3 है उसमें से 2 को कट कर दो, 1 और 2 कितने बचे, ओनली 1, तो आंसर आएगा 50 मीटर। ये चलो हम कहीं घूमने गए, वो जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर दूर है और ऑलरेडी हम 20 मीटर हमने पास कर दिया है, तो कितने मीटर हमारा रह गया है, तो आंसर आएगा 15 मीटर। सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट 35 meter 30 centimeter from 47 meter and 45 centimeter। अभी हमने दो ले लिए, मीटर और सेंटीमीटर दोनों फिगर लिए हैं, तो यहाँ पे हमें कॉलम बनानी पड़ेगी, मीटर और सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट यहाँ पे भी सेम चीज हमें समझनी है कि 35 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 47 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो मीटर जो है वो 47 पहले ऊपर, ये वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा, बाद में ये लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर स्मॉल है, ये नंबर प्लेट है। सेम ईयर हमने 35 लिखा था तो 35 मीटर नंबर इसके ऊपर लिखा, और बस ये चीज समझनी है कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है वो हमें ऊपर लिखना है सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में आप कोई भी नंबर ऊपर नीचे लिख दो, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, चाहे ये ऊपर लिख दिया होगा ये लिया नीचे लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट सब्ट्रैक्शन में आप नहीं कर पाओगे, आपको पहले बिगर नंबर समझना पड़ेगा। ओके, तो मीटर और सेंटीमीटर भी समझना पड़ेगा कि मीटर को मीटर में ही लिखना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। 45 माइनस
35 and 30. ओके, यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 बचेगा, 7 माइनस 5 करना है, तो अभी ये नहीं करना है कि बिगर नंबर को माइंड में रखो, ओके? यहाँ पे क्या आएगा, 7 है पर यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 और 7, काम कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे स्टॉप हो जाना है वो आपको माइंड में रखना है सबट्रैक्शन में। यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 एंड 7, 7 पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि ऊपर 7 है, तो यहाँ पे आएगा 2। फिर यहाँ पे 4 माइनस 3 है तो वो सिंपल सा है कि 4 चॉकलेट है उसमें से 3 चॉकलेट आपने किसी को दे दी तो यहाँ पे 1 बचेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सम, थ्री नंबर सब्ट्रैक्ट 5 किलोमीटर 300 मीटर from 8 किलोमीटर and 150 मीटर। यहाँ पे किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर के कॉलम कर लेंगे, फिर आएगा 5 and 300। पहले ये वाले नंबर, सॉरी मैं भी सब्ट्रैक्शन है इसलिए पहले क्या आएगा, एक ये वाला फ्रॉम के बाद वाले नंबर ही पहले लिखने होंगे, तो 8 किलोमीटर एंड 1, यहाँ पे मैं 150 कर देती हूँ और यहाँ पे आएगा 300, तो यहाँ पे आएगा 300 मीटर, 8 किलोमीटर एंड 300 मीटर माइनस 5 किलोमीटर एंड 150 मीटर। यहाँ पे 0 है लास्ट वाले डिजिट में तो 0 0 लिख देंगे। अभी 5 है और ऊपर 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, सीधा 5 नहीं लिख देंगे। ओके, 3 को कट करके ऊपर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 10। 10 माइनस 5 करोगे, 10 माइनस 5 करोगे तो यहाँ काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 6 है, 6 7 8 9 and 10, 10 पे स्टॉप हो गए, कितने हैं हमारे फिंगर में, 5, यहाँ पे आएगा 5, फिर 2 माइनस 1 तो 1 ही बचेगा, सेम यहाँ पे 5 माइनस 8 करना है तो 5 है तो काउंटिंग करेंगे 6 से, 6 7 and 8, 8 पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ऊपर 8 है, तो यहाँ पे आएगा 3। 4 नंबर का सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट 20 किलोमीटर 30 मीटर फ्रॉम 35 किलोमीटर एंड 45 मीटर। यहाँ पे फिर से वही करेंगे, किलोमीटर एंड मीटर की कॉलम करके पहले बिगर नंबर लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाला तो 35 और 45 है, यहाँ पे 20 है, 20 किलोमीटर एंड 30 मीटर। 5 के नीचे 0 है तो यहाँ 5 का 5 रहेगा, 4 and 3 है, सॉरी 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1, 5 के नीचे 0 है तो 5 का 5, 3 माइनस 2 करोगे तो 1, तो ये इस तरह से हो गया। और एक 5 नंबर का सम हम कर लेते तो आप प्रॉपर और एक समझ लो, फाइव नंबर
65 किलोमीटर फ्रॉम 300 किलोमीटर। अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने मीटर और किलोमीटर दोनों नहीं लिखे, यहाँ पे सिर्फ मैंने किलोमीटर लिखे है, तो हमें यहाँ पे जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है वो ऊपर आएगा। 300 माइनस 165 किलोमीटर किलोमीटर। ओके, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 माइनस 5 नहीं होगा, यहाँ पे उसके आगे भी 0 है, तो उसके आगे वाले नंबर से हम बोरो करेंगे। यहाँ पे 3 को कट करके आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 10। यहाँ पे 9 मैंने क्यों लिखा वो मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया था कि हम पहले इसको कट करके यहाँ 10 लिखेंगे, फिर इसी 10 में से फिर से बोरो करेंगे तो वो 10 को कट करके 9 ही आएगा। इसलिए हम सीधा अगर थर्ड नंबर पे हमें लेनी है, बोरो करना है थर्ड नंबर तक, तो वो बीच में हम 9 सीधा लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आया तो इस तरह से 300 माइनस 165 है तो क्या करना है, 3 को कट के यहाँ 2, यहाँ पहले 10 देना है, फिर ये 10 को कट करके आएगा 9 और फिर यहाँ आएगा 10। फिर आप 10 माइनस 5 करोगे तो 5, 9 माइनस 6 करोगे तो क्या रहेगा, 6 है तो 7, 8 एंड 9, 9 पे स्टॉप हो जाएंगे तो 3, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 135, तो आंसर आएगा 135 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे सीधा लिखा है और यहाँ पे मैंने समझाया कि यहाँ 9 क्यों आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है आप सीधा 9 लिख दो तो भी चलेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहले जैसे मैंने समझाया था कि हम किसी भी ये है जैसे ये हमारा घर, वन डिजिट वाला जो है वो हमारा घर है, हमारे घर में कोई चीज फिनिश हो गई तो हम शॉप में लेने जाएंगे, अभी शॉप वाले के पास भी वो चीज नहीं है तो वो उसके आगे की शॉप में लेने जाएगा, जो मेन जो ग्रोसर होता है उसके पास जाएगा, तो फिर वो अपने दुकान में लाएगा, फिर उसकी दुकान में से हम लेंगे, है ना। वो जो शॉप वाला है वो भी तो कहीं ना कहीं से लाता होगा ना, वो तो अपने शॉप में पूरी चीजें भर के नहीं रखता है, तो उसने भी कहीं से लाया होगा तो उसका स्टॉक भी खत्म होता है। तो सेम यह कि अभी ये चीज है कि हमारे पास जो चीज नहीं है वो शॉप वाले के पास भी नहीं है, तो शॉप वाले हमें बता देना कि देन आप शाम को आ जाना या फिर कल आ जाना, कल मैं आपके लिए ला के रखूंगा, तो वो वहीं और से लाएगा। ओके, फिर जैसे उसके पास है हम तो उसने हम सिंपल सी चीज समझ लेते हैं कि 10 चॉकलेट हमें लेनी है, सॉरी हमें सिर्फ 1 चॉकलेट लेनी है बट उसकी खत्म हो गई, तो उसने बाजू वाले से आगे की शॉप से 10 चॉकलेट ली, फिर उसमें से उसकी 9 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो हमें देगा तो उसके पास भी कम हो जाएगा, है ना। तो यही चीज हमें समझनी है कि थर्ड पर्सन से हमें बोरो करना है तो मीटर का नंबर भी चेंज होगा, यहाँ पे दोनों जगह पे आप 10 10 नहीं लिख सकते हो, यहाँ 10 माइनस ऊपर 9 आएगा ही। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन ये इजीली किलोमीटर और मीटर का नहीं, सब्ट्रैक्शन की भी ये चीज है जो आप समझ पाओ। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इसमें कर लिया, ये सारी चीजें आप अगर टेक्स्ट बुक में देखने जाओगे तो ये नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा करा है कि आप किलोमीटर और मीटर को सब्ट्रैक्ट और ऐड करना भी सीख जाओ, जो छोटे छोटे फिगर के हैं वो मैंने करा दिए है। तो यहीं पे ये लेसन स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच।